वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब देख रहे हैं सनी शॉर्ट्स। तो आज हम जा रहे थे कहाँ, चाय पीने, और मैं निकल जाता हूँ फिर चाय पीने के लिए। तो मेरे साथ जा रहा था मेरा ढोल वाला भाई, मतलब कि ढोल वाले भैया, वो आते हैं फिर हमारे पास थोड़ी ही टाइम बाद। और ये थे हमारे जहाँ का चाय पीने हम गए थे, और ये थे मेरे साथ हमारे ढोल वाले भाई, और ये था। और देखते ही देखते चल जाता है ढोल वाले भैया का हाथ। तो चाय पीने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं घर, और ये था कुछ रूम का हाल। और जो देखते देखते प्लग झपकते ही हो जाता है कुछ ऐसा ऐसा। फिर मैं लेता हूँ भगवान जी के दर्शन, फिर मेरे को लगती है भूख, और फिर मैं देखता हूँ फ्रिज में कुछ है क्या खाने के लिए, और फ्रिज मिलता है मेरे को खाली। फिर इतनी देर में मेरे को मिलते हैं ढोल वाले भैया, फिर मैं करता हूँ उनसे कुछ वार्तालाप, और फिर मेरे को मिलता है ओरियो जा रहा होता अपने काम पे। और फिर मैं जाता हूँ भैया के साथ कहाँ, क्योंकि हमारे हाईकोर्ट से आया था हमें ऑर्डर कि आप जाओ और लेके आओ बाहर जाके खाना। तो आज हाईकोर्ट कहते हैं हमारी होगी आज सस्ती पार्टी। फिर हम निकल जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन के लिए, और हमें मिलता है रास्ते में ये दिल्ली का जाम, जो जिससे निकलना है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, और हम हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान। फिर हमें लेते हैं ऐसे यू टर्न, और फिर हम निकल जाते हैं कहाँ, हमारी लोकेशन के लिए। आखिरकार हम कैसे ना कैसे करके पहुँच जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, और फिर हम यहाँ पे जाके करते हैं खाना बुक। और ये था वहाँ का व्यू, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वहाँ का व्यू। यहाँ पर करी गई थी पहाड़ी कल्चर की सजावटें। और भैया सेठ मालिक की फोटो जिन्होंने ऑर्डर दिया है। तो क्या कहना चाहोगे, आपकी जेब ढीली हो गई। जेब नहीं, तुम तो लाने वाले थे, अब खाऊंगा तो मैं। अच्छा मजाक था। अरे बेटा ये पिज्जा तो यहाँ आ जाएगा फिर। ये तो छीन लिया मैंने। अच्छा ये भी। हाँ। तो हो गया। तो कैसे टेस्ट लगा आपको? फिर हम जाते हैं कहीं बाहर, और फिर हमारे ढोल वाले करते हैं भैया विमल का प्रचार। विमल बोलो जुबां केसरी। अब सबके मन में सवाल था तो बस इस बात का कि हम जा तो जा कहाँ रहे हैं, लेकिन छोड़ो जाने की बात चलेगा। और ढोल वाले भैया करते हैं ऐसी कुछ हरकतें, यहाँ पे हम पहुँचाते हैं पेड़ों को नुकसान ही भैया, हमने काफ़ी ज़्यादा समझाया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठे सुती हो जाए तुम्हारा वो जो बस। ये क्या बात करते हैं यार। तो बात तो मैं एकदम सही कर रहा था। तो अब हम पहुँच चुके थे हमारी डेस्टिनेशन पे, तो चलो अब यहाँ पे करते हैं हम अपना फोटो शूट। इसी कारण हम यहाँ पे आए थे, और इसी कारण हमारा बना ये व्लॉग। तो व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँच जाते हैं अलग जगह, और ये हमारा सस्ता पोकेमोन, मतलब कि हमारा पोलियो का शिकार भगता है कुछ ऐसे। तो अब समय हो चुका था काफ़ी, अब टाइम हो चुका था हमारे घर निकलने का। तो हम फिर निकल जाते हैं घर की तरफ, और ये थे वहाँ के कुछ खेत। और दिल्ली में कौन कहता है कि खेती नहीं होती, दिल्ली में हर जगह वही देख लो, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे खेती होती है। और फिर ये थे हमारे रास्ते कुछ प्यारे प्यारे व्यूज़, और ये थे हमारे पास का पुस्ता, हमारे घर से कुछ थोड़ी ही दूरी भी पड़ता ही है। तो अब ढोल वाले भैया के घर से आ चुका था फ़ोन कि इतनी देर से कहाँ गया हुआ है। तो इनकी फट्टी में हम देते हैं इनका पूरा पूरा साथ, और निकल जाते हैं घर की तरफ। घर जाके ढोल वाले भैया होने वाले थे लाल पीले, और इनके होने वाले थे कुछ लाल। वो मत पूछना कैसे, वो तो आप सब जानते होगे, घर जाती होगी इस पर आती है चार सब इसकी होगी किस्मत कैसी, वो तो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा।